नमस्कार दोस्तों, आज से मिलेंगे स्मार्टफोन। ये राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें सरकार की ओर से 6 सेंटर बनाए गए मोबाइल फोन वितरित करने के लिए। इसके अलावा जिले भर में पंचायत में 22 शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इनका उद्घाटन थर्सडे को बिरला ऑडिटोरियम में इन्होंने किया था, और गुरुवार से ही यानी टुडे सैटरडे, तो थर्सडे से ही फोन मिलना शुरू हो जाएंगे हो गए हैं। कैंप में अगर आपको वेंसडे तक, बुधवार तक अगर आपको मैसेज आ गया आपके मोबाइल फोन पर, अगर कोई मैसेज आया है कि आप उसमें सिलेक्शन हुआ है जिसमें कि आपको मोबाइल मिलने वाला है, तो प्रथम चरण में जिनके नाम आए हैं, मोबाइल के लिए नाम आए हैं, उनको भी कोई जुड़ा मैसेज भेज दिया गया है प्रथम चरण के लिए, ठीक है। और 5 चरणों में आप लोगों को फोन दिए जाएंगे, 5 चरणों में ये फोन मिलेंगे आपको। तो इधर लाभार्थी को डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप गए आपको फोन मिल गया। इससे 10 से 15 मिनट का समय आपका कम से कम लगेगा। आप जब भी वहां जाए तो 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप लेके जाए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जो भी लाभार्थी हैं जिनका भी चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, मोबाइल पर मैसेज आया है, उनको अपना एक जनाधार कार्ड लेके जाए, आधार कार्ड लेके जाए, पैन कार्ड भी लेके जाए, तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन साथ में लाना जरूरी है, क्योंकि जब उसको ओटीपी आएगा तो उसी फोन पर आएगा। और सरकारी स्कूल में अध्ययनरत जो छात्राओं को साथ में आईडी कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, अगर कोई विडो औरत है तो उसको पीपीओ साथ में लाना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आप जयपुर के अंदर ये मोबाइल 6 जगह मिलेंगे। सबसे पहले जैसे जिसका वार्ड नंबर 130 आता है, वो नगर निगम हेरिटेज वार्ड है 130, उनको चौगान स्टेडियम गणगोली बाजार में मिलेंगे। और जिनका नगर निगम हेरिटेज वार्ड 31 से 54 आता है, उनको ये मोबाइल फोन सामुदायिक केंद्र लक्ष्मी नारायणपुरी किशनपुर में मिलेगा। और नगर निगम हेरिटेज वार्ड के 55 से 75 के बीच में जिनका है, उनको महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनी पार्क में। और नगर निगम हेरिटेज वार्ड 75 से 100 के बीच में जिनका वार्ड पड़ता है, उनको लाल बहादुर शास्त्री सामुदायिक भवन राजा पार्क में मोबाइल वितरित किए जाएंगे। नगर निगम ग्रेटर वार्ड 1 से 64 तक सामुदायिक भवन सेक्टर 3, ये मालवीय नगर में है, वहां पर मिलेगा आपको। और जो नगर निगम ग्रेटर वार्ड 65 से लेकर 150 तक के बीच में आते हैं, उनको सामुदायिक भवन हनुमान नगर विस्तार वैशाली नगर में मोबाइल मिलेंगे। और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। योजना के अंतर्गत जो भी वितरण संबंधी जानकारी जन सूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी अपना पात्रता की जांच करना चाहता है तो जन सूचना पोर्टल और ई मित्र की प्लस मशीन के जरिए भी वो करवा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट में घोषणा की थी। इसलिए आप ये सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना मैसेज जिस मोबाइल में आया लेकर जाएंगे, तो आपको मोबाइल मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप असुविधाओं से बच पाएंगे।